हाय गाइस, पोर्ट्रेट बनाने के लिए कैनवस पर ग्राफ कैसे डालें और ग्राफ की मदद से चित्र कैसे बनाएं, ये दो वीडियो हम आपके लिए पहले भी ला चुके हैं। अब हम आपके लिए पक्की ड्राइंग कैसे करें ये बताने जा रहे हैं। अब देखिए आप कि किस प्रकार हम इसको कलर करते हैं, आउटलाइनिंग पर कलर करना चालू करते हैं। हम लोग इस आउटलाइनिंग को कलर करने के लिए एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार हम आँख की आउटलाइनिंग कर रहे हैं, ये सब एक्रेलिक कलर द्वारा ही कर रहे हैं, ताकि हमें जब हम पेंटिंग बनाएं, पोर्ट्रेट बनाएं, तो ये आउटलाइनिंग दिखती रहे, जिसकी मदद से हम पेंटिंग को आसानी से बना सकते हैं। जिस प्रकार हमने पेंसिल से ड्राइंग करी थी उसी जगहों पर हम कलर से भी ड्राइंग करेंगे और आउटलाइनिंग बनाते जाएंगे। इस प्रकार हमारी पोर्ट्रेट के लिए बना हुई पूरी आउटलाइनिंग तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम इसको फिलिंग करेंगे, पोर्ट्रेट को फिल करेंगे और जिससे ये आगे की प्रोसेस के लिए तैयार हो जाएगा। पूरे ही पोर्ट्रेट को धीरे धीरे करके हम कलर कर लेंगे, फिल करेंगे इसके बाद। और देख रहे हैं आप किस प्रकार बालों को भी सब आउटलाइनिंग बनाई जा रही है। धीरे धीरे करके ये कंप्लीट होता चला जाएगा। उसके बाद हम आपको बताया फिल करेंगे इस पेंटिंग को। फिल करने के बाद आसानी रहेगी हमारे लिए पोर्ट्रेट को निकालने के लिए। ये काम वैसे बहुत धीरे धीरे होता है, हमने इस वीडियो की स्पीड तेज कर रखी है क्योंकि काफ़ी समय लगता है इसको बनाने में। अब हम इस पर टेक्चर वाइट का एक कोट करेंगे, जिसकी वजह से ये थोड़ा सॉफ्ट दिखने लगे, हल्का हल्का अंदर से दिखता रहेगा। और उसके बाद हम इसको फिर से देखिए आप एक कोट इस पे हम लगा रहे हैं टेक्सचर वाइट का, जिससे ये अंदर से हल्का हल्का दिखने लगता है। टेक्सचर वाइट करने से अंदर से ग्लो काफ़ी अच्छा रहता है, इसलिए हम इसको लगाते हैं। अब हम देखिए आप हल्का सा ग्लो इसमें दिख रहा है लाइट का। अब फिर से हम इस पे थोड़ा सा आउटलाइनिंग वर्क करते हैं, बालों को ड्रॉ करते हैं। अब देख रहे हैं धीरे धीरे करके इसी प्रकार यह पोर्ट्रेट निकलता हुआ चला जाएगा। अब इसे हम फिल कर रहे हैं इस पोर्ट्रेट को, ताकि ये आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाए। अब हम इस पोर्ट्रेट को फिल कर रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से फिल करा जाता है। इसके बाद बहुत आसानी हो जाती है पोर्ट्रेट को कंप्लीट करने में।